भाई मुझे कॉलेज को देर हो रही है, मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ। यार देर तो मुझे भी हो रही है मगर जब तक मेरी लाडो नहीं आ जाती कोई नाश्ता नहीं शुरू करेगा, सबर कर लो। ओहो यार वैसे पता तो चले कितनी एक देर में आएगी लाडली तुम्हारी। सुनाई नहीं दे रहा है, रुक जाओ आती होगी। घड़ी जब 10 बजाएगी तो चुहिया नीचे आएगी। चुप कर जा, तुझे पता है ना उसे सुन लिया तो क्या तेरा हश्र करेगी यार। न सिर्फ मेरी नहीं हमारी आपके लाड प्यार नहीं बिगाड़ा हुआ उसे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतलब है हमारी लाडली कब तक आ जाएगी नाश्ते की टेबल पर। अंजू आ जा मेरा बच्चा, आ जा चल, शाबाशी मेरा बेटा। आ रही है, सबर कर लो ना। की हो गया? कौन है? नहीं आना यार, शुरू करो। साहब ये है अंजला, घर भर की लाडली, सबसे मोहब्बत करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। बस जरा घर वालों के लाड प्यार ने नखरे वाला बना दिया है, सबकी चहेती और अपनी हर एक बात मनवा लेने वाली। और हां सब इनको प्यार से अंजू कहते हैं। हाँ सारा कहाँ रह गई? हाँ हाँ तुम यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर भी नहीं पहुंचोगी। मैं पहुंच जाऊंगी यार, रुको ना, आ रही हूँ। ओके ओके। ओ यार ये इतनी सवेरे सवेरे कहाँ से आ गया? ना है कौन ये? ओ यार वो मलिक साहब नहीं है हमारे जमीनों के पड़ोसी? हाँ बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात है, उनका बेटा आया है। आ जा भाई, आ जा अंदर, आ जा यार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। खैर है पुत्र, सवेरे सवेरे खैरियत तो है? हाँ हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बम्बाट बिल्कुल बम्बाट। कैसे आना हुआ बेटा? भाई सच्ची बात पूछे ना अगर तो अब्बा मेरी शादी करना चाह रहे थे और मैंने उनसे सफा कह दिया कि मैं लव मैरिज की शादी करूंगा, तुम्हारी पसंद की नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो अब्बे की पसंद पे क्यों नहीं करेगा बेटा शादी? नहीं अब्बा, आपने हमारी अम्मा को नहीं देखा ना? अम्मा को देख लेते तो ऐसी बातें नहीं करते ये। Who is he? चल आजा, चल शाबाश नाश्ता करा के। ये तुमसे शादी करना है? चुप जा। नहीं कह रही। मामा आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इतना हैंडसम तो है। वैसे हैंडसम का नाम क्या है? मेरा नाम है टुकड़ी मामा। सुने मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि मैं जिस शख्स से शादी करूँ उसे सारे के सारे काम आ जाए, ठीक है? तो आप ऐसा करें कि सिर्फ 10-15 दिन में ये साबित कर दें कि आपको सारे काम आते हैं और पास हो जाएंगे तो फिर। अबे ये तो कोई मसला ही नहीं है, हैदराबाद में घर के सारे काम तो मैं ही करता हूँ अपने हाथ से, अल्लाह पाक की कसम। वेरी गुड। अच्छा आप ऐसा करें कि मेरे लिए ना एक ठंडा ग्लास पानी का ले आए। हैदराबाद से? अरे नहीं, फ्रिज वहां पड़ा हुआ है, चलिए चलिए। यहां से ये यूं गया और यूं आया। अरे मम्मी आप मुझे कोई ऐसी नकारा लड़की समझती हैं? देखिए उसने एक बर्गर खा दिया। चल बेटा बैठ, नाश्ता कर। चल चले अब मैं जा रही हूँ, मैं बहुत लेट हो गई हूँ यूनिवर्सिटी। रुक जा नाश्ता तो करके जा। नहीं मामा आप लोग नाश्ता करें आराम से, आई एम सो लेट। अरे अरे बेटा तेरी वजह से तो हमने नाश्ता नहीं किया, भूखे बैठे और तू यूनिवर्सिटी जा रही है। बेटा जूस तो पी ले। नहीं डैडी आई रियली रियली हैव टू गो, आई एम सुपर लेट। ठीक है अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना बेटा। ओए होए होए, चलो अब इजाजत है जनाब। चुप कर बेटा, 5 मिनट हुए सर। वो बलुंगड़े पानी नहीं लेके आया?
यार क्या आज फिर से ले? यार मैं आ जाती मगर मारे अगर मगर रोज के हैं। हाँ यार अच्छा इन बातों को छोड़ो, यू विल नॉट बिलीव आज मेरे साथ हुआ क्या। क्या हुआ? आज ना मैंने बहुत ही हैंडसम सा लड़का देखा। ये तुम कह रही हो जो किसी को घास नहीं डालती? हाँ यार बस उसमें था ही कुछ ऐसा कि घास डालनी पड़ी। अच्छा उस कुछ को बाद में ढूंढना, अब चलो क्लास में। फाइन लेट्स गो। अच्छा तो ऐसा है, अब तो मेरे ख्यालों में भी आओगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सुबह बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, बात सुनेंगे एक मिनट। जी बोले। ऐसे करें कि गाड़ी में आके बैठ जाएं तो आसान हो जाएगा बात करना। अच्छा परेशान मत हो, मैं आपको किडनैप नहीं करूंगी। चलें आ जाए गाड़ी में बैठ जाए। कुछ पियोगे? नहीं मैं कुछ नहीं पीऊंगा। क्यों? नहीं आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ वो मैं कह रही थी कि क्या वो मैं कह रही थी कि एक मिनट एक्सक्यूज मी आई एम सॉरी। हेलो। हाँ अंजू कैसी है बेटा? मामा मैं अभी तो निकली हूँ, मुझे क्या होना। नहीं ऐसे ही बस मेरा जरा दिल घबरा गया था तो मैंने कहा तुझसे पूछ लूं। नहीं नहीं मामा सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं ना अब चले मैं रात को आपसे मिलती हूँ ठीक है? अच्छा अच्छा गाड़ी आहिस्ता चलाना समझी, ध्यान से। अच्छा ओके मामा लाफ एस बाय। जी तो बताइए। जी वो मैं कह रही थी कि आप जो है ना जी वो एक मिनट Excuse me, sorry. Hello, Sarah. हाँ, आज क्या टॉपिक है लेट हो जाने की? मैं आती हूँ ना तो मैं बस बताती हूँ। अच्छा, आ भी जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, okay, okay, okay. लापस। जी, बताइए। अच्छा, actually I'm in a lot of hurry, तो मैं मुझे ना भी जाना होगा। तो ऐसा करते हैं कि कल हम मिल सकते हैं? सेम टाइम इसी बार इसी जगह ठीक है? ठीक है ओके दैट्स परफेक्ट। तो हम कल मिलते हैं, कल का डन है ना? है ना? ओके परफेक्ट सेम टाइम यस परफेक्ट ओके बाय बाय। आज मुझे हुआ क्या था एकदम? क्यों बोल नहीं पा रही थी मैं? था उसकी आंखों में कुछ ऐसा जिसने बोले ही नहीं दिया। हद तो ये कि मैं उसका नाम तक नहीं पूछ पाई। अपने हवास पर काबू रखना ही मुश्किल हो गया था। खैर, सुबह करती हूँ बात उससे।
जी कुछ कह रही थी आप? उफ, तुम भी ना। ओ सॉरी, मैंने तुम कहा, माइंड तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, माइंड नहीं किया मैंने। क्या कह रही थी आप? हाँ वो कल तो मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गई थी। हाशिम, हाशिम कहते हैं मुझे। हाँ जी। अच्छा, और मैं कह रही थी कि तुम ना मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। अच्छा, तो देखो हुलिये से तो तुम भी बहुत अच्छे घर के लड़के लगते हो, और मैं ना, मैं तो हूँ ही, तो ऐसा करते हैं कि शादी कर लेते हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ ना, देखो उम्र तो तुम्हारी भी है और मैं भी 18+ हूँ, तो कोई केस वेस नहीं बनेगा, इसलिए हम शादी कर लेते हैं। नहीं लेकिन हमारी शादी हो नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? मैं मोटी हूँ, काली हूँ, छोटी हूँ, मुझमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शादी हो नहीं सकती तो नहीं हो सकती। ना क्यों नहीं हो सकती बाबा, तुम्हारी पहले से कहीं शादी तो नहीं हुई भी? बच्चे है ना? मैं एक मिनट। अच्छा हम बाहर कमिटमेंट हुई भी है ना? हम बाहर चलकर बात कर लेते हैं, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। जी बाहर चल के क्या बात कर ले, बाहर भी मैंने वही बात करनी है जो मैं यहाँ कर रही हूँ। बाहर चल के कर ले प्लीज। फाइन लेट्स गो। तो मेरे लिए क्या क्या छोड़ सकती है? सब कुछ छोड़ सकती हूँ, दुनिया। अच्छा, और हाँ। गाड़ी में तुम आई हो, वो छोड़ सकती हो मेरे लिए? गाड़ी छोड़ सकती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, छोड़ दी गाड़ी। रेडी? हाँ। चलो फिर वॉक करो मेरे साथ। अच्छा तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसलिए कि वहाँ बात नहीं हो सकती थी। क्यों? मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि हमारी शादी नहीं हो सकती। वो ही मुर्गी की एक टांग। अरे बाबा हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन हूँ। बिल्कुल सही कहा, तुम वाकई में एक जिन हो, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, तो तुम मेरे दिलो दिमाग पर सवार हो गए हो। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी नहीं नजर आता। हर बात की उल्टी बात, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम जिन हो, फाइन खुश। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई में जिन हूँ। अच्छा एक मिनट है। आया यकीन? हाँ हाँ यकीन आ गया। फिर अब क्या करना है? डर के भाग जाओगी ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं भागूंगी। तो फिर क्या, मुझे तुम पसंद आ गए हो, और अगर मैं शादी करूंगी ना तो सिर्फ तुम ही से करूंगी, ठीक है? अच्छा चलो आप मेरे साथ चलो। हाय गाइस, ये है ज़ेनिया और ये है रोमेसा और ये है। अच्छा इट्स ओके, बाद में मिलेंगे, ठीक है? बाय। सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। देखने दो, मुझे नजर नहीं लगने वाली। नजर की वजह से नहीं कह रहा, पागल समझेंगे तुम्हें। तुम्हें समझने दो ना। IDC। ये IDC क्या? IDC का मतलब तुम्हें नहीं पता? नहीं। IDC meaning I don't care. Oh अच्छा, तो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कहीं ये तुम्हें पीके ना ले जाए। पीके? ये पीके क्या होता है? पागल खाने। देखा कैसे हंस रहे हैं तुम्हें देख। हंसने दो, I don't care. चलो आओ मैं तुम्हें अपनी क्लास दिखाऊं। Come, let's go. वहाँ पर कैफे है, उस जगह पर पार्क है, हॉस्टल्स उस तरफ है, ये सारा एकेडमिक ब्लॉक है, और फ्रेंड्स मेरे पास इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं कि हंस नहीं, और पढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, लेकिन
इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमेशा मैं एस करती हूँ, हर दिन मिलता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम मुझे इतना अचानक से कैसे मिल गए? समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि मैं किसी को नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हें कैसे नजर आ गया? वैसे इसी को तो मोहब्बत कहते हैं ना। मगर इस प्यार के चक्कर में कहीं तुम तमाशा ना बन जाओ, मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है। नहीं नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो वैसे भी मामा कहती हैं, जो डर गया वो मर गया। अच्छा जरा एक बात तो बताओ। क्या? मैंने तो सुना है कि जिनों के इतने बड़े बड़े सींग होते हैं, उनके लंबे लंबे दांत होते हैं जिनमें से खून निकल रहा होता है, तो तुम्हारा तो डिफरेंट है, ऐसे तो तुम नहीं हो। कितनी फिल्में देखी हैं तुमने, ऐसे तो नहीं है, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। नहीं? अच्छा चलो फिर ठीक, फिर सब कुछ। हाशिम में कितना क्यूट है ना, इसका नाम ना मैंने जानू रखा है। जानू? ये तो कोई अच्छा नाम नहीं है। जलन हो रही है ना? अरे मैं क्यों जलने लगा, बीएमजे। ये बीएमजे क्यों? मतलब भाड़ में जाए तुम्हारा जानू। देखा देखा तुम लड़के होते ही इस तरह के हो, एक छोटे से परिंदे तक से तो जलने लगते हो। जिन हूँ मैं, जिन। ठीक है, whatever। अच्छा मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाऊं, इट्स अमेजिंग, आओ लेट्स गो। क्या हो रही? अबे मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रही, फिर नोट हो रही हूँ मैं। अबे वो पता नहीं क्या कर रही है, यूं देख रही है, कभी यूं देख रही है, किसी से इधर बात कर रही है, उधर बात कर रही है, समझ में नहीं आ रही है, हो क्या रही है? मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ, आप ही को पता नहीं क्या हो गया। तो चक्कर है ये बाबू। मम्मा को बताए? अबे तो मम्मा को ही बताएंगे ना, कोई मोहल्ले के काउंसलर को थोड़ी बताएंगे। आजा। मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही सारा। आंटी वो आज बहुत अजीब हरकतें कर रही थी, मेरे जहन से निकल गया, वरना मैं आपको वीडियो बना के व्हाट्सएप कर देती। अच्छा अच्छा अच्छा, चल चल मैं देखती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या मम्मा? आपको एक बात बतानी। हाँ बोल। परेशान तो नहीं होंगी? मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ, और ना मुझे परेशान कर। हाँ बोल। वो खुद ही घूम रही है। कौन? अरे सही बोल लिया है, ये बिल्कुल ठीक बोल लिया है। अरे घर में आई, यूं करके किसी का हाथ पकड़ा हुआ, यूं चली चली जा रही है, खुद ही बातें कर रही है, उसके बाद फिर अपने कमरे में निकल ली वो। कौन? अरे अंजू, अंजू और कौन, माँ से आई, यूं किया माँ, कमरे में चली गई वो। हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरे माँ, हाय सारा का फोन था, बोली यही कह रही थी, खराब ये कह रही थी। हाँ। मेरी बात कराएं, मेरी बात कराएं। मैं देखती हूँ जाकर। ख्याल से जाइएगा। हेलो सारा। अंजू इसका मतलब है कि तुम बचपन से ही एफ के हो, आई मीन फजूल खर्च। हाँ ये तो है, बचपन से सारी बातें पूरी हुई है मेरी। ये जो तुम सारी चीजें देख रहे हो ना, ये मामी डैडी अपनी पसंद से लेकर आए हैं, और जब भी वो कोई चीज अपनी पसंद से लेकर आते थे ना, मुझे बहुत पसंद आती थी। मगर आज, आज क्या? आज पहली बार मैं अपनी पसंद की कोई चीज लेकर आई हूँ। अच्छा बहुत बोलती हूँ ना मैं। हाँ बोलना बाद में, देखो पहले, मुझे लग रहा है कोई दरवाजे पर है। मामा आप इस तरह, खैरियत तो है? चल हट जरा। इतनी बेवकूफ ना समझ मुझे, मैंने खुद सुना है अपने कानों से तुझे किसी से बातें करते हुए। कौन था? मामा आप भी ना रवायती माओं की तरह बातें कर रही हैं।
हाथ में क्या है तेरे हैं? क्या पकड़ा हुआ हाथ में? कुछ नहीं पकड़ा हुआ। किससे बात कर रही थी? मामा मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी फोन के ऊपर। आप कहें तो बात करवा देती हूँ। रहन दे, कोई जरूरत नहीं है, बात करा दो। मेरे ख्याल में अब मुझे जाना चाहिए। नहीं ना रुको, कहाँ जा रहे हो? कोई और आ गया फिर? तो क्या हुआ, मेरी कोई एक फ्रेंड है, हजारों फ्रेंड्स है मेरी, किसी का भी नाम ले लूंगी। तुम भी ना। अच्छा ठीक है, बैठने तो दो। चलो। अरे कुछ करें, बुलाएं किसी को, कुछ तो करें, मेरी अकलौती बच्ची है। ओ भाई सबर कर, मुझे समझ तो लेने दो ना। इसमें समझने वाली क्या बात है? डैडी मम्मा बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हाँ ये बावला ठीक बता रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। वही हो गई, उसने यूं करके किसी का हाथ पकड़ा हुआ था और तोते के पास लेके गई और जाके कह लगी कुछ बोल रही थी, बातें कर रही थी, मिलवा रही थी तोते से किसी को। तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कोई जिन भूत है जो हमारी बेटी के साथ है, है? उसको नजर आता है और हम में से किसी को नजर नहीं आता। हाँ। पागल दे पुत्रो, ये इस दौर में इस तरह की बातों पे यकीन करते हो? मान जाएं इससे पहले कि मेरी बच्ची को कुछ हो जाए। ओ कुछ नहीं होता हमारी बेटी को यार, पहले मैं अपनी आंखों से देखूंगा फिर मैं मानूंगा। यही तो सियापा है, वो नजर ही तो नहीं आता किसी को सवाए अंजू के। नजर नहीं आता? चल आजा यार, बड़ी भूख लग। ओए होए होए सत के जावा, ओ हमारी बेटी आज हमसे पहले डाइनिंग टेबल पे, भाई कमाल कर दिया भाई। जी डैडी। क्या है बेटा खाने में? बेटे ने भाई को प्लेट पकड़ा और चला गया, टिपरी भी बड़ा ही खोलता। दूसरी भी दे। देओ भाई देओ, ले आ भाई चौल पड़ा। ओके मेरा बच्चा। ये मेरे डैडी हैं, ये मम्मी है और ये मेरा भाई है। बेटा मुझसे कुछ कहा आपने? नहीं डैडी। किससे बात कर रही हो? एक किसी से नहीं डैडी। कौन है बेटा? कोई नहीं है डैडी। तो चलो खाना शुरू करो। बेटा लो ना ये चावल लो। अरे बिरयानी को भूल जाएंगे, ये हैदराबाद की मिठाई खा के देखेंगे ना जब तो। हाँ और खा लेते हैं, पहले खाना तो खा ले, मिठाई भी खा लेंगे। किधर है मिठाई? ये रही है। ओ पागला तू खुद खा गया होना मिठाई। नहीं नहीं अल्लाह पाक की कसम मैंने नहीं खाई, मेरे को खानी होती तो हैदराबाद से रास्ते में नहीं खा लेता मैं, ये खुद लेके आया मैं, डब्बा खोल के यहाँ मैं। हाँ कसम अल्लाह पाक की, सच बोल रहा हूँ मैं। अल्लाह की कसम मेरे सामने ला के रखी है उसने मिठाई, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, इधर गई है? डैडी झूठ बोलता है, खुद ही खाई होगी इसने। मैं बता रही हूँ आपको ना, जिस किसी ने भी ये मिठाई खाई है ना उसको मैंने छोड़ना नहीं है। कमाल है यार, किथे गई ये मिठाई? देखा 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 आ गया ना यकीन। हाँ भाई महसूस तो मैंने किया है थोड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। आपको यकीन आते आते मेरी बच्ची को ना हो जाए कुछ। कैसी बातें कर रही है तू? खुदा ना खास्ता हमारी बच्ची को कुछ हो, फिक्र ना कर, मैं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ। हाँ ना तो फिर करो ना कुछ, किसी बाबे से बात करो, किसी पीर फकीर का पता करो। ओ एक गल सुन, ये जो कुछ हो रहा है ना हमारी बच्ची के साथ, ये किसी से कहना नहीं है, वरना लोग अजीब अजीब बातें बनाएंगे, फेसबुक पे लगा देंगे। हाँ लोग क्या कहेंगे, लोगों के डर से मेरी बच्ची को कुछ होने दूं मैं? अल्लाह ना करे यार हमारी बच्ची को कुछ हो,
खुदा ना करे अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे, फिक्र ना कर मैं कुछ करता हूँ। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी टुकड़ी की शक्ल देख कर। बेचारा बहुत घबरा गया था बेचारा, है ना। अच्छा हाशिम एक बात तो बताओ, क्या ये इतने सारे केले तुमने खाए किस तरह? अरे इंसान इतने सारे प्लॉट एक साथ खा जाते, मैं केले नहीं खा सकता। ये तो सही कहा। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हवाओं की सैर कराओगे? सुनाओ सुनाओ, सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। पता नहीं तुम मुझे किस किस्म का जिन समझते हो। मैं हवाओं की सैर नहीं करवा सकता, ना ही मैं एक नोट के दो नोट बना सकता। ये थोड़ी कह रही हूँ। अच्छा चलो मेरी बात तो सुनो ना। एक मिनट, पहले मैं खत्म कर लूँ फिर सुनूंगा तुम्हारी बात। मैं सुन भी रहा हूँ और सबको सुनाऊंगा भी जाके। मैं सबको बताऊंगा कि वो अंदर है मगर अंदर नहीं है, मगर या अल्लाह पाक, या अल्लाह मेरी अंजू की हिफाजत फरमा परवरदिगार। वो मुझसे बहुत प्यार करती है अल्लाह, मुझसे बहुत प्यार करती है। ओ किधर किधर, देखे तो सही। ओ इस वेले ठीक नहीं है बच्ची के कमरे में जाना। अच्छा, और वो जिन मुनासिब वक्त देखकर आया था मेरी बच्ची पर? वैसे तू बड़ी बेसब्री है। चल आगे लग, चल देख के आते हैं। अंजू है? बेटा जी अन्य केले? डैडी कौन से केले, कहाँ? बेटा जी ओए बेगम, वो केले किधर गए? इतने केले और इतने छिलके पड़े थे इधर। नहीं डैडी, मुझे लगता है कि आप थक गए हैं। आप लोग ऐसा करें, जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेते आप दोनों? हैं? हम लोग थक गए? मेरे ख्याल से बेगम हमारी बेटी ठीक कहती, हम लोग थक चुके हैं, आ जाओ हम रेस्ट करते हैं। लेकिन केले और उनके छिलके किधर गए? या अल्लाह, ऐसे समझ ही नहीं आ रहे की हो रहे हैं। वो तो बाबा परेशान तो ना हो। परेशान ना हो, अपनी आंखों से देख तो लिया है तुमने। हाँ तो देख तो लिया है, वो तो ठीक है, मगर मैं क्या मगर? मगर ये कि अब करना क्या है यार? कुछ भी करो, किसी को भी बुलाओ, किसी साईं को, किसी पीर को, किसी फकीर को, किसी किसी बाबे को, किसी दम करने वाले को, किसी को भी बुलाओ, फौरन बुलाओ। मेरा तो किसी से ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है, सारी जिंदगी नहीं रहा। तो फिर मुझे इजाजत दो, मैं बाजी को फोन करने लगी। तुम जानती है ना मैं एक ऐसे बाबा को बहुत पहुंचे में है। कर लो, चलो देख लो। हाँ कर लो कर लो। हाँ बाजी, कैसी हो भाई? नहीं बाजी ठीक नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। या अल्लाह खैर क्या हो गया? बाजी आपके वो जाने वाले बाबा जी नहीं थे जिनसे दम कराया था जीशान को? वो जब पी लिया हुआ था उसे, 4 साल पुरानी बात है, छोटा सा था जब जीशान। और कम दी गल कर। हाँ कर रही हूँ, मगर बाद में पता चला था वो 2 नंबर थे। मगर तुम मसला बताओ क्या हुआ है? बाजी मेरी अंजू पे जिन आ गया। हाँ क्या बताऊं बाजी, हाय मैं मर जाऊं, अंजू पे जिन आ गया। मैं क्या करूं बाजी? हाँ की क्या कहती है बाजी? नंबर सेंड कर रही है एक बाबा जी का, कह रही है सुबह ही जाके मिलो उनसे। हाय हाय फिकर ना करना, बाबा फकीर का नंबर आएगा तो मैं लेके आऊंगा, परेशान ना हो। चल चल शाबाश, सब ठीक हो जासी। हाँ हो जूगा फिकर ना कर। या अल्लाह रहम कर साढ़े ते।
किधर है बाबा जी? सबर ते कर, ओए बाबा जी बड़े पहुंचे हुए, इतनी मुश्किल से तो रास्ता हुआ है, अब आएंगे, जैसे ही पहुंचेंगे ना सारे जिन भूत इस घर से फारग हो जाएंगे। सुनिए कहना, इस जिन को जला कर भस्म कर देंगे। बिल्कुल भस्म कर देंगे। डैडी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। पुत्र यार तू ऐसा कर, तू अपने दोस्त बाबर के घर चला जा पड़ोस में, बस सही है। मैं तो जा रहा हूँ। सलाम वालेकुम बाबा जी। नहीं नहीं बाबा जी, हम लोग जिन्नात नहीं है, जिन्नात अंदर है। आइए आइए। हाँ बाबा जी, कहाँ चले गए थे हाशिम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कहीं नहीं, बाहर था। एक बात बताऊं तुम्हें? एक नहीं, 100 बातें बताओ। तुम्हारे जो मम्मी पापा है ना, उन्होंने मुझे यहाँ से भगाने के लिए एक बाबा को बुलाया। वो इस घर तक तो आ गया, अब इस कमरे में भी आने वाला है। क्या वो तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता ना? अरे नहीं, मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा। वैसे इस बाबे की तरह के ना बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, सीधे साधे मासूम लोगों को देखते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, चले जाते। अच्छा तो ये बात है, आने दो फिर उसे, उसे तो मैं बताती हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे बाबा उसे पैसे दे चुके। बात पैसों की नहीं है हाशिम, बात गलत बात की है। और वैसे भी क्या? वैसे भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी तुम्हें बुरी नजर से देखे। कितना प्यार करती है मुझसे। बाबा जी बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। वो तो ठीक है बाबा जी, लेकिन हमें बताया कि हमें करना क्या है। हमें नहीं करना, तुमने अब जो कुछ करना है हमने करना है, हमने। अच्छा हम जो भी करें बाबा जी, बस इस जिन के बच्चे से मेरी बच्ची की जान बचा दें। बाबा जी फिक्र ना करो, वो हशर करूंगा, वो हशर करूंगा कि याद रखेगा वो। बस मुझे तुम उसके कमरे तक ले चलो। आजे आजे। हाँ वो जो हमने कहा था उसका क्या हुआ? हाँ हाँ हो गया हो गया। ये बाबा जी एडवांस कैश। पूरा ही होंगे। जी जी आई 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 आज। कहाँ हो कहाँ हो? नाबीना हो नजर नहीं आ रहा, यहाँ हूँ। नाबीना हो नजर नहीं आ रहा, यहाँ हूँ। जला के भस्म कर दूंगा। अंधी लगी हुई है ना, जो तेरा दिल चाहेगा वो तू कर देगा। अंधी लगी हुई है ना क्या, जो तेरा दिल चाहेगा वो कर देगा। एक एक जोड़ को तोड़ के रख दूंगा। पहले अपने जोड़ों का इलाज तो करा ले। मैं उस रब का मानने वाला हूँ जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी रिस्क देता है। जिसका मतलब है मुसलमान है। शर्म कर शर्म, मुसलमान होने के बावजूद एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। मैं थोड़ी पीछे लगा हूँ, ये पागल है जो जिन पर आशिक हो गई है। हैं? ये तुमने बोला कैसे, मैं पागल हूँ? तो मैं तुम्हें बाद में पूछती हूँ, इस ढोंगी से तो पहले निपट लूं मैं। हाँ बोलो जल्दी जल्दी, किसी के पास टाइम नहीं है इधर। झाड़ू से मार मार के मार दूंगा। झाड़ू से तो खुद पिटता है घर में बीवी से, बच्चे इज्जत करते नहीं है, मोहल्ले में कोई अच्छा नहीं समझता। मेरे बाप के पीछे 142 कबीले हैं, वो हशर होगा ना तेरा, याद रखेगा। खुद इतने मसाइल में घिरा हुआ है, अपने मसले तो हल कर नहीं सकता, दूसरों के मसाइल क्या हल करेगा बेशरम। आज सुबह ही तूने अपने खाला की कमेटी खाई है। और बताओ ये जो कुंडे से बिजली चोरी कर रहा है ना तू? तो मैं यहाँ नहीं, कब्रिस्तान बुला के तुझे जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, अगर जलाल आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। बाबा जी जलाल है कितने? अब तुझसे मुलाकात होगी कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में। बाबा जी रोको तो, बाबा जी को तो रोको, कुछ पढ़ने को ही बता देते। तुझसे मुलाकात होगी। कितने फंस गए।
हाल बुरा हो गया मेरा तो। शुक्र करो उसने तुम्हें झाड़ू से मारना शुरू नहीं कर दिया या फिर तालाब पर जाने को नहीं बोल दिया। कहकर तो देखता तालाब का, वो हशर करती ना उसका याद रखता। मैं आज के दौर की लड़की हूँ। वो बेचारी औरतें भी तो आज के दौर की हैं, जो इनकी बातों में आकर अपने पैसे लुटा देती हैं, इनके पास इलाज के लिए चली जाती। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताऊं, हम लोग हर वक्त हर जगह पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। और जिस तरह तुम इंसानों में होता है ना, जब तुम्हें कोई तंग करता है तो तुम लोग रिएक्ट करते हो, बिल्कुल उसी तरह हम जिन भी रिएक्ट करते हैं। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं ना, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, ये ढोंगी हमारा नाम लगाकर उनके माँ बाप से पैसे वसूल करते हैं। लेकिन हाशिम, इसमें लोगों का भी तो कसूर होता है ना। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, ये लोग डॉक्टर्स के पास ले जाने के बजाय इन लोगों के पास ले जाते हैं, और ये इस बात का नाजायज फायदा उठाते हैं और पैसे वसूल करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। मेरा बस चले ना तो मैं, लेकिन हमें इस बात की इजाजत नहीं है। इतना गुस्सा। अच्छा ऐसा करो, अपना मूड सही करो, मैं बहुत थक गई हूँ। हम कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग के लिए चलें? क्या करूँगा शॉपिंग कर जाकर, मूड नहीं है मेरा। क्या मतलब मूड नहीं है, मेरा मूड तो है ना। अच्छा चलना है तो चलो, वरना फिर बस। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। वो क्या? तुम वहां जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करो। नहीं करो, चलो लेट्स गो, मैं फ्रेश होके आई। ठीक है, मुझे तो जैसे ही पता चला मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये सब अचानक से क्या हो गया, कैसे हो गया? तू सोच जरा बेटा, हम पे क्या गुजर रही होगी, कितने परेशान होंगे हम। अचानक हुआ है सब कुछ। ऐसे जीशान बेटे, तेरी बड़ी मेहरबानी, तू हमारी परेशानी में शामिल हो गया, फौरन आ गया है। अरे अंकल मुझे तो आना ही था ना। आजा आजा मेरी लाडो, देख तो जरा जीशान आया है। जीशान कैसे हो तुम? हाय, कैसी हो अंजू? अच्छा मम्मी मैं जरा जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, आप लोगों को कोई चीज तो नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है। अंजू हाँ, इफ यू डोंट माइंड मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं नहीं जीशान, तुम तो थके हुए हो ना, अभी तो आयो। ऐसा करो कि तुम रेस्ट करो, ठीक है? ओके अच्छा चलो, ओके अल्लाह ऐसे जा तो कैसे। ओ टुकरी टुकरी इधर तो आ जरा। ओ टुकरी ना बुलाया कर उसे, मामा बुलाया कर, बुरा लगता है। ओ बाबे आ जा, भाई का बैग लेके जा कमरे में। अबे यार कहाँ चला गया यार, अबे यार 10 का नोट कहाँ गया यार मेरा। बात सुनो। हाँ भाई बैठो तो। हाँ हाँ यहाँ नहीं, नीचे बैठो, टांगे दबाओ। मैं टांगे दबाऊं? नहीं तो और कौन दबाएगा, यहाँ और कोई है? बैठो दबाओ। थोड़ा जोर से यहाँ। तो जोर से ही तो दबा रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अब्बा तो मुझे पता नहीं क्या क्या कुछ कहते, अम्मा मुझे प्यार में कहती है टुकड़ी मामा। किसका मामा? टुकड़ी मामा। टुकड़ी? हाँ। क्या क्या मतलब क्या इसका? इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसका हाँ इसका मतलब होता है एक हसीन खूबसूरत खूबरू नौजवान। बल्कि अगर इसको ये कहा जाए ना कि एक ऐसा लड़का जो किसी भी लड़की के ख्वाबों में आ जाए, ख्वाबों का शहजादा। हराम है जो इसमें से एक भी चीज तुम में हो। क्या मतलब? वैसे भाई मियां तुम यहाँ कराची किस चक्कर में आए हो? मेरा ख्याल है समंदर वमंदर देखने के लिए आए होंगे। अरे नहीं भाई, समंदर देखने नहीं आया हूँ, शादी करने। अबे कैसा इत्तेफाक है यार, अबे मैं भी हैदराबाद से कराची शादी करने के लिए आया हूँ। तो लड़की देख ली तुमने? हाँ बचपन से ही देखी। अरे यहाँ मामला कुछ और है, मैंने कराची आके देखी,
देखते यूं का यूं ही रह गया मैं। अबे इतनी बमबाट, इतनी बमबाट यार, उफ दिमाग बिन्नोट हो गया। अच्छा हाँ, और मैंने तो उसको कुछ बोला भी नहीं, उसने मेरे को खुद ही बोला हैंडसम हो, इतने प्यारे हो, और ना मेरे से शादी का भी बोल लिया मैंने। क्या मतलब है भाई, अंधे अंधे नहीं है कोई। हेलो जी मामा। अरे अंधी नहीं मची भी, अंधी बोल ले उसको, हैदराबाद में भी लड़कियां मरती है मेरे पे बहुत। नहीं अभी तो बस बात चल रही है। आइसक्रीम खाओगे? नहीं नहीं। क्यों, खाते हैं ना इतना मजा आएगा। मैं जितनी आइसक्रीम खाता हूँ ना, ये पूरे एक महीने में नहीं बना सकता। अच्छा ना, प्लीज खाते है ना। अरे नहीं खानी मुझे। क्यों नहीं खानी, खानी पड़ेगी तुम्हें आइसक्रीम। नहीं खानी। खानी पड़ेगी, खाओगे तुम, खाओगे और खाओगे आइसक्रीम, खाओगे तुम। नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे। क्या कर रही हो तुम, सब लोग देख रहे हैं। फाइन, नहीं खाओगे ना, नहीं खाओगे ना तो फिर तुम्हें आइसक्रीम खानी है, बस खानी है आइसक्रीम, खानी है, खानी है आइसक्रीम, खानी है। बाबा प्लीज, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, मुझे कोई नहीं देख पा रहा। चलो आओ ना आइसक्रीम खाए। ये देखो कैसा। बस ठीक है। ये वाला? ये बेहतर है। excuse me? जी। ये कितने की है? ये 7,500 का। 7,500? बहुत expensive नहीं है? महंगा दे रहा है बहुत। एक मिनट ठहरो। आप पूछो। एक्सक्यूज मी, ये शर्ट कितने की है? मैंने कितनी दफा आपको बता दिया, मैं दाम एक ही दफा बताता होता हूँ, बार बार ना पूछे मुझसे। पूरा 400 होगा, एक रुपया कम नहीं होगा। 400? सिर्फ 400? ये 400 नहीं, पूरे 7,500 का। तुम चुप करो स्टूपिड हेल्पर, मैंने तुमसे बोला बीच में बोलने के लिए, जब मैं बात कर रहा हूँ। लोगों के लिए 7,500 है, इनके लिए 400। हासिम सिर्फ 400 का है, ले ले। नहीं नहीं गलत हो जाएगा, वो तो मैंने उसको कुछ किया है तो उसने कम कर दिया पैसे, गलत बात हो जाएगी, छोड़ दो कहीं और चले। ये तो मुझे भी पता है। हेलो सुनिए ना बाजी, बाजी प्लीज नहीं, ले जाए ना आपके लिए 400। नहीं नहीं थैंक यू। 300 सारे चेक घर लेके आओ, मैं दफ्तर नहीं आना यार, दसिया ना जरूरी काम है, सारा कुछ दस दिया पागल दे पुत्र। अंकल किसी डॉक्टर से भी तो बात की जा सकती है ना। ना बेटा डॉक्टर का काम नहीं है। तो फिर किसी और से बात कर लेते हैं, शायद कोई अच्छा मशवरा ही मिल जाए। ओ यार ओ बेटा, समझने की बात है, ये बात ओपन नहीं की जा सकती, वो हमारी बेटी का मामला है, वो लोगों को पता चल जाएगा तो लोग बातें बनाएंगे। मैं तो बाजी से भी बात ना करती, पर वो जानती थी ना बाजी उस बाबे को, याद है तेरा इलाज किया था जब तुझे पी लिया हुआ था, तो है ना, इसलिए बाजी से बात की थी, वरना मैं बाजी से भी ना करती बात। आप लोगों को पता है मैं अंजू के लिए कितना परेशान हूं। हमें इसका एहसास है। मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अगर अंजू की शादी कर दी जाए तो ये मसला हल हो सकता है। शादी कैसे? हाँ मुझे कोई एतराज भी नहीं है, अम्मी को भी नहीं होगा, मुझे यकीन इस बात का। सोचिए आप लोग। तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक ली? हासिम तुम्हें याद है ना, हम पहली दफा इधर ही मिले थे। पता है हासिम, जिंदगी कब क्या दे दे, कब क्या ले ले, पता ही नहीं चलता। अब देखो तुम मुझे किस तरह मिल गए। क्या मतलब? तुम मुझे जिंदगी में मुहाफिज की तरह मिले हो। अब क्या इरादा? अब मैं चाहती हूँ तुमसे शादी करके जिंदगी गुजारने का, ऑब्वियसली। मुझसे ही क्यों? क्योंकि हाशिम जो लड़की एक तहफ्फुज़ चाहती है ना, वो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ तुमसे ही मिलेगा।
और साफ साफ मतलब ये कि अब मैं तुम्हारी जान बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है? तुम्हें ही मैंने अपना बनाना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इससे? अच्छा चलो ऐसा करो कि मेरे साथ चलो, कहीं जाना तो नहीं है ना तुमने? हाँ, हमें कौन सा इंसानों की तरह काम पर जाना होता है या कोई और काम करने जाना होता है। अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं, चलो ठीक है, आ जाओ गाड़ी में बैठे। तावीज़ को तकिए के नीचे दबाना है। और पता है मुझे पता है, ये ऊपर नहीं रखना तावीज, ये गिलाफ के अंदर वाड़ना है, बाबा जी ने जैसा कहा था। हाँ ओ बात सुनो, ये पानी छिड़कने के बाद ना दीवारों पे, ये बिस्तरे पे भी छिड़कना है। हाँ याद है ना बाबा जी ने कहा था? पता है पर तुम भूल गए हो, बाबा जी ने कहा था ये सब करते हुए चुप रहना है। ओए सब दोबारा से करना पड़ेगा, उठाओ दोबारा। ठहरो तवीज तो कटन दो। वैसे कितना मजा आ रहा है ना, तुम यहाँ हो भी और नहीं भी हो। हाँ वो तो है, लेकिन देखो बात ठीक नहीं है, मेरी वजह से सब लोग कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं। उफ, तुम जरा बराबर भी ना। क्या जरा बराबर भी, देखो जिंदगी में रोमांस के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं। वही तो, लाइफ को थोड़ा तो एंजॉय करना चाहिए ना। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नहीं। ठीक है तो फिर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। और कुछ? और कुछ ये कि मैं सोच रहा था कहीं बाहर चल। नहीं मेरा मूड नहीं है। ओ मूड नहीं, क्या हुआ? चले जाओ इसके साथ बाहर। अच्छा एक शर्त पे जाऊंगी मैं। क्या बोलो? के तुम भी साथ चलोगे। अंजू ये तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी नहीं बदलेगी। Obviously, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं तो मैं भी साथ ही जाऊंगा ना। चलो मैं गाड़ी निकालता हूं, जल्दी आ जाओ। अच्छा चलो ना तुम भी आओ, उठो। अरे ओ ये सारा कुछ जो है ना मैंने अपनी बेटी की वजह से किया है। हाँ ये झाड़ फूक तवीज वगैरह, वरना मैं इस पे एतबार नहीं करता सिवाय अपने अल्लाह के। अपनी बेटी के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। ना तो मैं और किसके लिए कर रही हूँ हैं? अपनी लड्डो के लिए, और किसके लिए अल्लाह उसे। ओ कुकड़ी, ओ कुकड़ी जरा यार पानी पिया। हाँ जी पानी पिला। मुझे भी एक गिलास पिला दे बेटा। और अगर तुमको भी पीना हो तो तुम भी बता दो। ये क्या बकवास है, ये तुम कौन है भाई हमारे कमरे में? बकवास नहीं है ये, इस घर में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना मैं बता नहीं सकता। तेरे साथ क्या होना है भाई? वो जो जिन है ना वो मुझे बहुत तंग कर रहा है। वो तुमको क्यों तंग करेगा, वो तेरा क्या वास्ता जिन से? वाह रे वाह, अरे सबसे गहरा ताल्लुक तो मेरा ही है ना। वो कैसे भाई? वो जिन जो है ना वो अंजू के पीछे, और अंजू अंजू मुझे पसंद करती है। आपको बताइए ना कि वो मुझे हैंडसम हैंडसम बोलती है, तो इसलिए वो अपनी खार निकालता है मुझसे खार निकालता है वो। इसका तो दिमाग खराब हो गया। ओए बकवास बंद कर, ये बता के मेरी बेटी अंजू कहाँ है? अंजू जिशान के साथ गई है कहीं। चल जा पानी लेके, चल चल। अंजू जीशान के साथ गई है। मैं तो कहती हूँ तैयारियां शुरू कर दो, शादी करा दो इनको फटाफट। मैं भी यही चाहता हूँ, अल्लाह करे हो जाए जल्दी से जल्दी। बाबा जी ने तो काम कर दिया। तो फिर होना क्या था,
बस वो एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी के सामने आ गया अचानक से। मुझे लगा गाड़ी बस टक्कर लगने वाली है और नहीं लगी। ओए ओए, पता नहीं ऐसा क्या हुआ अचानक से। ओए ओए, अया मेरे, मुझे तो लगता है ये सब उस जिन ने किया हो। हैं? इसका मतलब है कि उस जिन ने मेरी बच्ची को बचाया है? अरे मैं सदके जाऊं उसकी। आंटी इतना सदके वारी जाने की जरूरत नहीं है, शायद वो जिन है, आप भूल रही हैं ये बात। और यार हम तो वाकई उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। मगर ये आंटी तो वारी वारी जा रही है उस पे। आंटी के दिल में उस जिन के लिए नरम गोशा रखना मेरी समझ से बाहर। ओ बेटा जी, ये माँ है, ओ भाई औलाद के साथ जो अच्छा करेगा इसने तो खुश होना ही है, चाहे वो जिनी क्यों ना हो। ओ यार तू तो चुप कर यार, जिनी क्यों ना हो। ओ तुम सब परेशान ना हो, मैं कौन सा अपनी अंजू का रिश्ता लेके जा रही हूँ कोका। हाँ बेटा तू परेशान ना हो, अंजू की शादी तुम्हारे साथ ही हो। बस आप सब लोग अब आराम से बैठ जाओ, मैं खुद करूंगी अपनी धीरानी से बात। हाँ ना आंटी, समझाए ना उसे कि उसका और मेरा रिश्ता तो बचपन से तय हुआ भाई। हाँ? देख बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश कर, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। मामा हाशिम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दिल का मालिक है, पर नजर तो नहीं आता ना किसी को तेरे अलावा। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, जीशान बहुत प्यारा बच्चा है, हम सबका देखा भाला है बचपन से। मामा लड़कियां अंधों से शादी कर लेती हैं, उनसे शादी कर लेती हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते। मामा वो तो किसी से भी शादी कर लेती हैं, यही तो मोहब्बत होती है ना। देख अंजू, अंधे हो हमें लंगड़े हो लूले हो, अरे पर नजर तो आते हो, ये तेरा वाला तो किसी को नजर ही नहीं आता। तुम कितना हंस रहे हो, ये मेरी मामा है कोई उमर शरीफ नहीं जिनकी बातों पर हंस रहे हो। क्या करो, तुम्हारी अम्मी बातें ही ऐसी कह रही है। ओ कमबख्त, ओ मुझसे आके बात करना, इधर आ, जिनका बच्चा है तो जरा मेरे सामने आके दिखा, किधर है तू, मेरी बच्ची को तंग कर रहा है। सोच जरा, तेरी माँ के साथ होता ना ये तो फिर क्या करता तू, बता जरा मुझे। अपनी अम्मी को समझाओ, मेरी माँ के साथ ही तो ऐसा हो रहा है, इनकी बेटी उनके बेटे पर आशिक हो गई है। बंद कर ये खी और बात सुन तू मेरी गौर से। हाँ मामा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है, सब यही कहते हैं, क्या कोई डॉक्टर क्या कोई मौलवी, सब कहते तेरी शादी कर दे ठीक हो जाएगी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? ना कुछ नहीं हुआ तुझे मेरे बच्चे, बस तू जीशान से शादी कर ले। हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा सोच बेटे, मैंने और तेरे बाप ने भला तेरी कौन सी जिद पूरी नहीं की है? तूने कहा बाहर पढ़ने जाना है, हमने तुझे भेजा कि नहीं भेजा? तू 8 साल बाहर लगा के आई, हमने कुछ बोला है, है? पर ये नहीं हो सकता अंजू, ये नहीं हो सकता, सुन रही है ना? ना माँ बाप की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि अपनी पसंद से अपनी दी की शादी कर सके। मामा प्लीज ना, प्लीज अब मेरी बात तो समझने की कोशिश करें, प्लीज। ना मुझे कुछ नहीं सुनना समझना, बस मैंने जो कहना था ना मैंने कह दिया। हाँ और बात सुन, मैं आज ही बाजी से कह के तेरे और जीशान के निकाह की बात करती हूँ। हाँ और मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे करवाती हैं। ना क्या करेगी तू, हैं? अपने जिन को बोल के माँ को बिल्ली बनवा देगी या बाप को दरख्त से लटकवा देगी उल्टा, हैं? बोल। नहीं मामा ऐसा कुछ नहीं है, मामा हाशिम एक बहुत ही अच्छा इंसान, आई मीन बहुत ही अच्छा जिन है मामा, वो बहुत अच्छा है। तू कुछ भी कह ले, बस जीशान से शादी के लिए तैयार हो जा, अब हम तेरी एक भी नहीं सुनने वाले। हाँ कह दिया मैं। और मामा आप भी सुन ले, मैं हाशिम के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ओ बाजी जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ देख रही है बाजी, ये गायबाना नमाज जनाजा तो सुनी थी, हमारे सर पे तो गायबाना दामाद पड़ गया। वैसे खैर कुछ भी हो, ये हमारा फैसला है, शादी होगी तो हमारी पसंद की होगी। हाँ बिल्कुल, लड़का हमारा देखा भाला है भाई।
और भाई इतने दिन हमारे साथ भी गुजारे हैं लड़के ने। मुझे भी कोई एतराज नहीं, कल की होती शादी आज हो जाए। हाँ। और वो तो ठीक है, और मेहमानों की भी जरूरत नहीं है, हम घर वाले ही काफी हैं। वैसे लड़के के अब्बे का होना बहुत जरूरी है। अरे अब्बा पे लानत भेजो आप लोग यार, आप लोग तैयारी करो शादी की, मैं भी करता हूँ तैयारी। मैं पास हो गया भैया। को क्या हुआ है, पागल था पुत्र ना हो गए तो। इसका सत्यानाश हो, ये क्या बकवास करके गया है। इसका दिमाग खराब है, इसकी बात ना करवा जी। इसके अब्बा का कोई मसला है तो यूकी उसे आने में देर लगेगी, हम ऐसे ही निकाह कर लेते। मगर अंजू तो मान जाए ना, वो तो मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगी। हाँ मैं शादी के बाद अंजू को यहाँ से कहीं बाहर ले जाऊंगा, थोड़ा माहौल बदलेगा तो उसका उसका मूड ठीक हो जाए। जो तेरा दिल चाहे, जहाँ तेरा दिल चाहे, जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा तुम क्या सोच रहे हाशिम? नहीं बस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता ना, तुम तो जेनो। हम इंसानों में तो ऐसा ही होता है, जहां मोहब्बत हुई वहां जालिम समाज खड़ा हो गया। उफ। लेकिन फिर भी अंजू कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा तुम ये तो सब छोड़ो ना, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोका फंजला क्या पहनता है, किस तरह का जोड़ा, और वहाँ शादी पर किस तरह के खाने खाए जाते हैं। अरे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही हम ऐसी कोई फजूल खर्ची करते हैं, ना ही ऐसे कोई तमाशे, ये सब तुम लोगों के यहाँ होता है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्यों, क्या मैं बच्ची हूँ? नहीं बच्ची नहीं हो तुम, वो बच्ची से भी वो छोटा आइटम होता है ना वो। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम हमारी बारात उड़ने वाले कालीन पे लेकर आओगे ना? अरे कितना मजा आएगा, लोग यू 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 करके देखेंगे। कितनी फिल्में देखी हैं तुमने, ऐसी कोई फजूल चीज नहीं होती हमारे यहाँ। हमने जहाँ भी जाना होता है ना एक सेकंड में चुटकी बजाते हैं यहाँ से वहाँ। गायब होके दिखाओ। नहीं 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 मुझे बिल्कुल याद है। तो बस फिर अपने दिल और दिमाग पर काबू रखो। अच्छा एक बात और सुनो। उफ इतनी बड़ी बड़ी बातें, तुम कहीं 400 साल के तो नहीं हो? नहीं मैं 1023 साल का हूँ। अच्छा सिर्फ 1000 साल ही तो बड़े हो, इसमें क्या हुआ? मुझे तो मंजूर है। मंजूर है बाजी जी, मंजूर हो ना हो शादी तो जीशान से ही करनी पड़ेगी। थैंक यू अंकल। बहुत शुक्रिया कादा यार, हमें तो खुशी होगी कि हमें तेरे जैसा दामाद मिलेगा। हाँ और यकीन है मुझे ये जीशान से निकाह होने के बाद वो छोड़ देगा मेरी अंजू का पीछा, देख लेना। हाँ मेरी बहन जरूर छोड़ देगा इंशाल्लाह। ओ बाजी जी, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अल्लाह पावे क्यों हमारा बुरा चाहेगा है। और अगर सुन रहा है ना तू कहीं जिनके बच्चे, तो ये देख ले मेरे हाथ जुड़े हुए, छोड़ दे मेरी अंजू का पीछा। तुझे जिस किसी को भी तू मानता है उसका वास्ता है, छोड़ दे मेरी बच्ची का पीछा। बस कर मेरी बहन बस कर, रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। अम्मी ठीक कह रही हैं अंकल, हमें स्टैंड लेना होगा। हाँ बहुत सख्त फैसला करना पड़ेगा, पक्का काम, बिल्कुल वापसी का कोई रास्ता नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, किसी पीर बाबे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर रखा है। बस तो फिर ठीक है, बुलाओ अंजू को, सारे मिलकर करते हैं उससे बात खरी खरी। देख ले अंजू, मैं पहली और आखिरी मरतबा पूछ रही हूँ, जीशान से शादी करेगी या नहीं करेगी? नहीं करूंगी। मगर क्यों अंजू, आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जीशान मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, मगर अगर मगर कुछ नहीं, बस हाँ कर और जीशान से शादी कर। बेटा मैं तुझे सगी माँ की तरह रखूंगी, बचपन से इसी तरह पाला है मैंने तुझे। नहीं बाजी ये इस तरह नहीं मानेगी, जब तक इस घर से इसकी माँ का जनाजा नहीं उठेगा तब तक नहीं। माँ का जनाजा नहीं उठेगा, इधर पियो का जनाजा भी उठेगा, मुझे भी देख गोलियां। चुप कर। देख रहा आशिम, अपनी मोहब्बत तो सबको नजर आती है, हमारी मोहब्बत है जो उनको नजर नहीं आती। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कर कर तू, कर तू अपने जिन से बातें कर, तेरी माँ चली। आ दे मुझे भी दे। अरे क्या हुआ, मेरा गर्क हो जाए इस जिन का, चैन से मरने भी नहीं दे रहा। वो स्यापा गोलियां भी गायब कर दी इसने जहर की, ओ पागल जिन। अंजू प्लीज मान जा। बेटा कुछ अपने माँ बाप का तो ख्याल कर। कैसे नहीं मानेगी बाजी, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानेगी, इसका तो बाप भी मानेगा। बाप तो पहले से ही माना हुआ है, इसको मनाना है। चुप कर जा, मेरे पास रात तक का टाइम है, मैं बता रही हूँ, सोच समझ के फैसला करके जवाब दे। और फैसला जीशान के हक में होना चाहिए। आप लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और एक बात आप सुन ले, हाशिम मुझे पसंद नहीं करता, मैं हाशिम को पसंद करती हूँ। बस बहुत सुन ली तेरी, अगर तू हुन ना मानी तो बस याद रखना मेरे ख्याल से हुन मान जाएगी। है बाजी जी, लगता है मुझे मेरी सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, अब तुम लोग अपनी तैयारियां कर लो। अबे तू चुप कर, माँ बेटा पुत्र। क्या तमाशा लगाया हुआ है, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। बाबा वो क्या, और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने। यहाँ पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं बाबा। मासूम इंसानों को परेशान कर रहा है, तू वहां से भागा क्यों। आप मेरी शादी जो जबरदस्ती करवा रहे थे। हाँ तो क्या गलत कर रहे थे, तेरी शादी अपनों में नहीं होगी तो क्या इंसानों में होगी, और क्या बुराई थी उस जरकंदा में। बाबा वो असल में तुझसे छोटी है वो, अपनी उम्र मालूम है तुझे। 1023 साल। और उसकी 23। कुछ नहीं सुनूंगा मैं, और एक बात सुन, तुझे पता है तेरी माँ का क्या हाल है। तेरी माँ की हालत देखकर मैं यहाँ आया हूँ। क्या हुआ माँ को। तुझे क्या, यू तो यहाँ इंसानों में खेल तमाशों में लगा हुआ है ना। नहीं 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 बाबा, मैंने अपनी पावर्स का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना बाबा, वो मैंने कुछ नहीं किया। अंजू कोई अंजू पंजू नहीं, वापस आओ, और अगर वापस नहीं आया तो तेरा असल चेहरा इन सबको दिखा दूंगा। हाशिम क्या हुआ, परेशान हो। नहीं वो बस बाबा आए थे, गुस्से में थे। अच्छा फिर? फिर क्या, तुम बताओ। अब मैं क्या बताऊं हाशिम, बता तो चुकी हूँ तुम्हें सब कुछ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। अंजू मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये कोई मजाक नहीं है, तुम अपनी फैमिली की बात मान लो। मगर हाशिम ये नहीं। अगर मगर कुछ नहीं, माँ बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं। इस दिन के लिए तो नहीं बड़ा करते ना कि औलाद बड़ी होकर अपनी मनमानी करे। अंजू तुम ये क्यों भूल जाती हो कि नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही एक फन है, और ये काम तुम अच्छी तरह कर सकती हो। जीशान बहुत अच्छा लड़का, शादी कर लो उससे। मामा अब आप लोग भी खुश हो जाएं, ठीक है। हाशिम में भी आप लोग का भूत आ गया, एक ही रट लगाई रखी उसने भी। सीशान से शादी कर लो, सीशान से शादी कर लो। देखा देखा कितना अच्छा जिन है ये तो। आइए ये तो मेरी बेटी को कह रहा है कि वो शादी कर ले सीशान से, मैं बाहर से। अरे सुनो ए बेटा, पागल हो गया। समझाने थे आराम से, सब्र से, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो सब ठीक होगा। बिल्कुल बेहतर ही होगा, बस तुम मेरी बात का यकीन करो। मगर मैं तुम्हारे बगैर किस तरह। अंजू लोग मर जाते हैं फिर भी जिंदगी तो चलती रहती है ना, तुम मेरी बात मानो, जीशान को अपना लो। नहीं मुझे सिर्फ हाशिम चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। अंजू बुलाओ जीशान को।
क्यों बुलाओ? मैं कह रहा हूँ ना बुलाओ। जीशान जाओ, जा मेरे बेटे बुला रही थी, जा तू जा, जा मेरे। हिम्मत करो बेटा, हिम्मत करो, जा। हाँ बेटा जा, अल्लाह के मान लेना। हाँ जा, और मेरी बात सुन, गुस्सा ना करना। हाँ। जो भी वो कहे बस मान लेना है। आ रहा है, आ रहा है। देख क्या फैसला किया। जा बेटा जा, भाग के जा, जा बिस्मिल्लाह, अल्लाह के मान लेना। आ रहा है जी भाई, आ रहा है, जल्दी से पढ़ के। अंजू प्लीज मान जाओ ना, प्लीज ना, प्लीज प्लीज। बहुत ही पागल लड़की है ये। तो साहब यूं हाशिम ने पहली बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अंजू के दिलो दिमाग में जीशान की मोहब्बत डाल दी और अंजू और जीशान को एक कर दिया और खुद खामोशी से अपने बाबा के हुक्म पर वापस अपनी दुनिया में लौट गया। एक बात मानोगे? बोलो प्लीज बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। आज से तुम मेरे लिए हाशिम हो। हाशिम? मतलब आज से तुम्हारा नाम हाशिम है, ठीक है? ठीक है अंजू, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। हमें भी मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्र है।